सो वी हैव दिस एथर 450X स्कूटर विथ अस. तो हमारे पीछे है मेरे दो दोस्त, एक मेरी फीमेल फ्रेंड है, वो आज वो स्कूटर चलाएगी. ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है एथर, जो बहुत फेमस है अभी. एंड ये स्कूटर जो है अभी आपको हैदराबाद में मिलेंगे. हैदराबाद में इनका शोरूम सेटअप हो चुका है. मैंने सोचा कि यार मैंने तो टेस्ट राइड पिछले एक दो तीन वीक पहले किया था. एक दिन मेरे पास स्कूटर था, मैंने मस्त टेस्ट राइड किया था, पूरे दिन चलाया था. तो आज मेरी फ्रेंड है एंड सी राइड्स एक्सेस, सुजुकी का एक्सेस 125. तो आई टोल्ड हर कि आप ये राइड करो 450X एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. एंड हम जो चला रहे थे थोड़ा बहुत ओपन रोड पे चलाएंगे, थोड़ा बहुत पीछे हम लोग चला के आए हैं ट्रैफिक में. तो थोड़ी देर हम चलाएंगे, वी विल कैप्चर हर रिएक्शन, उसका मतलब फीडबैक क्या है और वो क्या बोलती है स्कूटर के बारे में, आपको एक बार दिखा देता हूँ. दिस इज माई फ्रेंड अर्चना और ये हमारे दोस्त लोकेश भाई. तो ये स्कूटर है 450X. हमारी राइडर ने क्या किया पता है, स्कूटर को यहाँ पे लगा दिया है और वो मैडम क्या खाने गई है, देखो आपको वो दिख रहा है, वो कॉटन कैंडी. इसके अंदर डाल लेना इसको. अरे कॉटन कैंडी हम लोग इसकी डिक्की के अंदर डाल देते हैं. सो गाइस, दिस कॉटन कैंडी आई एम पुटिंग इट इन द डिक्की एंड द डिक्की इज सो 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 स्पेशियस. ये इसका चार्जर है इसके अंदर. सो दिस इज द चार्जर इनसाइड. ये भी रख दे, कटेगा ये. हाँ थोड़ा हवा निकल जाएगा, टेंशन नहीं. नहीं 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 जाना है, ट्राई कर. हाँ बंद करो, रुको. वाओ स्कूटर भी चलाया. हाँ स्कूटर मैंने बहुत तरीके के बाइक्स चलाए. अगर आपको गेयर वाला बाइक के बारे में बात करना है तो इट इज अगेन डिफरेंट कंपैरेटिव टू दिस. सो दिस इज एक्सेस से हाउ डिफरेंट इट इज व्हेन यू कंपेयर विद एक्सेस. सुपर स्मूथ, सुपर स्लीक डिजाइन है और रियली रियली एकदम अमेजिंग से इसको हैंडल कर सकते हैं. लाइक एनीबॉडी कैन ड्राइव इट, इवन इफ इट्स अ बिगिनर, उनको उतना ज्यादा लाइट इतना वेटेड नहीं लगेगा क्योंकि ये लाइट वेट है. और उसका जो ब्रेक सिस्टम है नेक्स्ट लेवल. दो लोग आराम से बैठ सकते हैं. द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस इज इसका जो डिक्की है, यू कैन लोड एज मच एज यू. सो लेकिन तुमने कुछ लिया था ना कुछ डालने के लिए. तो ये मैंने लिया है, ये एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड के लिए है, जस्ट वांटेड टू सरप्राइज. इसको ये बहुत पसंद है. ये जो है दिस इज द डिक्की एंड ये चार्जर इसका. इसका चार्जर है. हेलमेट रखना एक बार अंदर, हेलमेट रखो तुम्हारा. तो ये हेलमेट मैंने लगा दिया इसमें. फर्स्ट एड किट आल्सो फॉर सेफ्टी. इसके अंदर ये चार्जर पॉइंट है. इसका चार्जिंग का जो है इट इज ओवर हियर. आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी बिकॉज़ देयर इज नो मच लाइट. सो नाउ दिस इज द सीन हियर. सो राइट नाउ द फोर मोड्स, इकोनॉमी, राइड एंड दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज वर्क मोड. एवरी
mod will have different kilometer range. The eco may you will get around 85, ride may you will get around 70, sports may you will get around 60, and in warp mode you will get a 50 kilometer up range mil jayega. But this is the most powerful mode. While driving you can easily switch, so you don't have to leave the handle. So when you need more power, there are two people on the bike scooter, then you can use this mode, either sport or warp mode. Warp mode mein kya hai, aapko 0 to 40 3.3 second mein jayega. And then if you see this side, it shows all the ride detail, average speed and odometer reading and park assist. Yahan pe agar aap click karoge to aapko general detail dega iska, ye setting wagera hai agar aapko setting wagera karna hai. Yeah. So, अब ये भी ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हुए. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल राइड बाय कैप्टन प्रकाश चौधरी, ऑल्सो इथर. प्लीज बी कॉशियस, प्लीज वेयर योर हेलमेट, डू नॉट फॉरगेट, और इंडिकेटर यूज करें.